क्या ठस रहे मामू? हम और ठस रहे हैं, फायर होने वाला है। हेलो हाय एवरीवन, सोना जीपी ब्लॉग में आपका स्वागत दोस्तों। दोस्तों मैं फिर आ गया न्यू बीटी लेकर आप लोग बीच में। दोस्तों आज इस वीडियो दोस्तों दिखाने वाले दोस्तों है कि चांस मारते समय दोस्तों किन किन बातों का वो लोग ध्यान नहीं रख पाते हैं, क्यों वो दोस्तों फेल होकर चले आते हैं, वापस आते हैं। तो आज की सिर्फ यही दिखाएंगे दोस्तों कि मशीन में जो दोस्तों चलाकर मतलब सीख कर वो चांस मारते हैं, चांस मारने के बाद दोस्तों वो फेल क्यों हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं यही आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि मशीनों में दोस्तों तीन चीज क्या की चीज ऐसी है दोस्तों जो आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो आप लोग बने दोस्तों, दिखाते आप लोग दोस्तों कि वो गलतियां क्या है, क्या नहीं करनी चाहिए, और जरूर से वीडियो दोस्तों लास्ट तक देखिएगा। ठीक, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे तरफ दोस्तों कितना धूप हो रहा है दोस्तों, बहुत काफी दोस्तों धूप है। और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हमारे में से भी दोस्तों आप खड़ी है क्योंकि दोस्तों अभी उसका काम नहीं है। ठीक है, तो अभी लोग दोस्तों फायर मार रहे हैं, वहाँ पे फायर मारने के बाद दोस्तों उसको करेंगे ब्लास्टिंग। ठीक है, ब्लास्टिंग करने के बाद दोस्तों फिर उसका मशीन काम लगेगा, फिर उसको मटेरियल निकालना है। ठीक है, तो अभी हमारा दोस्तों अभी काम नहीं है, इसलिए हम दोस्तों जरा घूम रहे हैं। और हमारे देखो आदमी वहाँ पर लेबर देखो कितने मेहनत दोस्तों कर रहे हैं, कितने मेहनत और कितने दोस्तों गर्मी में दोस्तों कितनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों ये 50 फीट की बाउंड्री है, 50 फीट दोस्तों हमारी कंप्लीट आज हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों वीडियो में कि कितने हमारे दोस्तों लेबर मेहनत कर रहे हैं, और आपको ले चलते हैं पास में दिखाते हैं दोस्तों कि कितना लोग बेचारे मेहनत करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों दिखाते हैं आप लोगों को। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि पानी यहाँ नहीं दोस्तों है, देखो आप लोग चाहते देखो पूरा खेत पूरा कोई फसल नहीं। देखो दोस्तों बहुत मशक्कत से यहाँ दोस्तों खेती होती है, तो इसलिए दोस्तों मैं आप बाउंड्री करने आया है। तो यहाँ पे बाउंड्री अगर हो जाएगी दोस्तों पानी लग जाएगा तो बिंदास कोई अड़चन नहीं होगी, पानी लग गया दोस्तों है, लेकिन उतना पानी नहीं लगा जितना लगना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो लगा पानी थोड़ा बहुत, लेकिन काम वर्क हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब चलते दोस्तों दिखाते आप लोगों को हमारा काम वहाँ पर कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। तो बने रहो दोस्तों लास्ट मेरे वीडियो में। और देखो हमारा क्या कर रहे भाई, मौज है, मौज है पूरा। हाँ दोस्तों इसका बहुत मौज, देखो अभी ये ऊपर बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लोग फार मारने जाओ। आप दिखा दो दोस्तों लोग कैसे फार मार रहे, देखो मस्ती कर रहा बंदा केवल मोबाइल देखकर। ठीक है, घटा उड़ रहा, धुआं उड़ रहा दोस्तों, इसलिए सब दिख नहीं रहा। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे दोस्तों दो टंकर हमारे पास लगे हैं, तो कभी बंद हो गया तो क्योंकि दोस्तों इसमें डीजल नहीं है। ठीक है, तो ये बंद है वो चल रहा फिलहाल। ठीक है, और आदमी दोस्तों नीचे लगे हैं, और दोस्तों ये 50 फीट हमारी बॉडी हो चुकी है दोस्तों। आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों बॉडी में कितनी मतलब गर्मी होगी, कितना धूल उड़ता है दोस्तों, कितने दोस्तों मेहनत करते लेबर हमारे लोग, बहुत मेहनत करते भाई, मानना पड़ेगा उनको। ठीक है, उनको दिल से शुरू दोस्तों है, तो आप लोग दोस्तों ये हमारे दोस्त लगे हुए हैं वहाँ पर खड़ा है फिलहाल। ठीक है दोस्तों, यही सब काम हमारे यहाँ पे होता है। और यहाँ पे दोस्तों अभी गर्मी ज्यादा हो रही है, इसलिए तो दिक्कत ज्यादा हो रहा है, ठंडी दोस्तों क्या आ गई, बहुत आराम रहता है, बहुत आराम से रहता है। ठीक है, हम लोग दूसरे मेरे फ्रेंड हाँ Thank you.
मशीन में। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि तीनों कौन सी चीज थी दोस्तों जो आपको कभी नहीं। दोस्तों पहली बात दोस्तों ये है कि जब तक तुम्हारा उस्ताद दोस्तों ना कह दे कि तुम आप परफेक्ट हो, ओके हो, अब कोई तुम्हें दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, अब तुम जहां तुम्हें मशीन मिलेगी तुम वहां चला सकते हो, कोई तकलीफ तुमको नहीं है कहीं भी, चाहे माइंस के ऊपर हो, चाहे खदान में हो, चाहे कहीं भी दोस्तों किसी भी काम में दोस्तों, आपका उस्ताद जब तक आपको आपके ऊपर हाथ ना दे यहाँ तुम जाओ कहीं भी, आप बिंदास तुम पैसे कमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अब मशीन तुम आराम से चलाओगे ठीक है। जब तक दोस्तों तुमको उस्ताद आपको इजाजत ना दे तब तक आप ऐसा ना कि थोड़ा उसको चलने लगे तो भाग जाओ, ऐसा कुछ नहीं। जब तक तुम्हारा उस्ताद तुमको कहना दे कि अब तुम जाओ बिंदास कहीं भी आराम से अपना मशीन चलाओ, अब तुम्हें कोई फेल नहीं कर पाएगा ठीक है दोस्तों, तो तब दोस्तों अपने दिल में थोड़ा सा तसल्ली होती है, हाँ मैं ऑपरेटर बन गया हूँ। बस देर इस बात दोस्तों होती है मशीन चलाने की ठीक है। तो दोस्तों मशीन चलाने समय आदमी क्या करता है कि पहले सेठ से बात करता है ठीक है, तो सेठ के पास फोन करेगा, सेठ जरूर दोस्तों से पूछेगा
कि भाई आप कितने देर से मशीन चला रहे हो, कितने साल से मशीन चला रहे हो, तो आपको दोस्तों लगा जवाब देना है कि सर मैं साल भर से मशीन चला रहा हूँ, क्योंकि मैं साल भर दोस्तों हेल्पर किया हूँ, तो साल भर से मशीन मैं चला रहा हूँ, अभी मैं पूरा फुल चलाता हूँ, पूरी नट चलाता हूँ, अभी मेरा उत्साह होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको दोस्तों पूरा मतलब हकीकत बता जाना, ऐसा नहीं झूठ बोल के हकीकत बताऊंगा दोस्तों, थोड़ा बहुत मिस्टेक भी होगा तो सेट सहेगा, क्योंकि जानता है कि भाई अभी आया हमारे पास चलाने के लिए, तो इससे अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो जाता है तो कोई दिक्कत चलेगा। और दोस्तों उस्ताद बन के जाओगे ऐसे पूरा कि हाँ भाई मैं पूरा मैं 10 साल चला रहा हूँ, 20 साल चला रहा हूँ, तो ऐसा बोल के जाओगे दोस्तों अगर कोई नुक्स होगा तो आपको जरूर झाड़ेगा कि ऐसे तुम कैसे कर दिए, तुम पुराने आदमी हो। तो ऐसा दोस्तों कभी नहीं करना है, जो भी करना है आपको सच्चाई बोल के जाना, ठीक है। ये तो तुम्हारा दोस्तों हो गया दूसरा पॉइंट, ठीक है दोस्तों। आपको तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि आप मशीन चलने से पहले दोस्तों पहले सब कुछ चेक करेंगे, ठीक है। पहला क्या है, इंजन, इंजन ऑयल, अपना हाइड्रोलिक लेवल और अपना स्विंग मोटर, ठीक है। मतलब सारा कुछ दोस्तों आपको चेक करके तब चढ़ना है, कहीं आपका क्रैक और कुछ तो नहीं है, कोई मतलब ऐसा चीज नहीं है, ठीक है, कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो इसलिए दोस्तों आपको पूरा एकदम 9:30 से मशीन को चारों तरफ घूमकर पूरा देख लेना है, कहीं ठुकी नहीं है, कैसा क्या है, पूरा देख ताक के मशीन पे इसके बाद चढ़ना है, ठीक है दोस्तों। अपना लेबल का इंजन कम है तो उसको बता देना चाहिए भाई इतना तुम्हारा इंजन है, और ठुका पीटा तुमको याद रखना भाई, हाँ यहाँ ठुका पीटा सब देख ताक के दोस्तों, फिर मशीन सीट के ऊपर बैठो दोस्तों, फिर वहां पे अंदर जाओ। वहां अंदर जाने के बाद दोस्तों जिस समय यहाँ पे आए हैं, तो फिलहाल क्या है इधर पूरा चेक करो, ठीक है, मतलब क्या तुम्हें दिक्कत क्या नहीं है, पूरा मशीन के अंदर जो भी प्रॉब्लम हो सब कुछ यहाँ से मीटर लगा के अपना सब कुछ चेक करो, ठीक है, पूरा एकदम लास्ट तक चेक करो दोस्तों, ताकि तुमको मतलब कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों दूसरा और दोस्तों इसको चला के देखो ऊपर नीचे, मतलब बूम करो, साइड में इधर स्विंग करो और मार्जिंग करो, जो भी दोस्तों तुम्हें प्रॉब्लम होगी समझ में आ जाएगा दोस्तों किसमें क्या मुझे प्रॉब्लम क्या दिक्कत है, ठीक है, जो दिक्कत होगी दोस्तों को बता, सेट को बताने का, ठीक है। तो दोस्तों ये तुम्हारा तीसरा पॉइंट खत्म। तो दोस्तों शाम हो चुकी है, आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों शाम हो गई है, और दोस्तों वीडियो हम यही समाप्त करेंगे, फिल्म मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट में, तो चलिए दोस्तों जय हिंद।